नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अगर आप रोडवेज से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। श्रीनगर रोडवेज बस डिपो को इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया है। अब रोडवेज की बसों का संचालन श्रीनगर NIT के पास भक्तियाना से किया जाएगा। रोडवेज के सारे कर्मी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। अनुमान है कि फिलहाल एक साल तक रोडवेज बस डिपो यहीं से संचालित होगी। दरअसल रोडवेज बस डिपो को भक्तियाना पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके चलते रोडवेज बस अब भक्तियाना से संचालित होंगी। फिलहाल सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित की जा रही हैं। बता दें कि श्रीनगर पुराने बस डिपो में बहुउद्देश्य पार्किंग का काम चल रहा है, जिसकी नींव को खोदने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते रोडवेज की बसें अब यहां नहीं आ सकती। ऐसे में अब भक्तियाना से रोडवेज डिपो को संचालित किया जा रहा है। पुरानी जगह पर राज्य सरकार अंडरग्राउंड पार्किंग रोडवेज डिपो समेत रोडवेज ऑफिस का निर्माण करवा रही है। इस दौरान रोडवेज डिपो के अकाउंटेंट अशोक काला ने कहा कि एक साल तक इसी जगह से डिपो का संचालन किया जाएगा। यहीं से यात्रियों को बस पकड़नी होगी। लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा पुराने स्टेशन तक छोड़ रही है, लेकिन यात्रियों को बस यहीं से पकड़नी होगी। हालांकि बसों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, चंडीगढ़ और ऋषिकेश के लिए बसें यहीं से मिलेंगी। जो रोडवेज बस अड्डा पुराना बस अड्डा जो जहाँ था, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें यहाँ पे। जी, तो इस कारण से आप भक्तियाना? हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये, और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता ही बस अड्डा बना है। कहाँ कहाँ की बसें चल रही हैं फिलहाल यहाँ से, किस तरह से पूरा रूटीन कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से वही जो पहले वहाँ से जो बसें चलती थी, बस में किसी प्रकार से कटौती नहीं हुई है। जो सेवाएं चल रही थी वही चल रही हैं, लेकिन हाँ इतना है कि यहाँ से सुबह 6 वाली गाड़ी जो श्रीनगर से देहरादून चलती है, वो अपने निर्धारित स्थान में मार्केट पुलिस चौकी जो है उसके पास लग रही है। बाकी जो 7 बजे दिल्ली, 8 बजे दिल्ली और 9 बजे चंडीगढ़ जो ये समय है, वो फिलहाल अभी जो है पुराने बस अड्डे से ही बाहर से ही जो है वहाँ पे जाती हैं एक आधा घंटा पहले, और वहाँ से संचालित हो रही है। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।